नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल विद्यादीप में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर आपणे धोरण 7मो विषय छे हिंदी, तेमा प्रथम सत्रनो पाठ 8मो। आ पाठनुं नाम छे दोहा अष्टक। आ पाठना अभ्यास स्वाध्यायना जेटला प्रश्नो आपेला छे तेनुं सोल्यूशन आजे आपणे आ वीडियो नी अंदर जोवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल मां नवा होय तो मारी चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेर करो अने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करो, जेथी आगळना दरेक नवा वीडियो ने नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल नी स्क्रीन पर मळी शके। तो चालो विद्यार्थी मित्रों शुरू करिए। धोरण 7मो विषय छे हिंदी, तेमा प्रथम सत्र नो पाठ 8मो। आ पाठ नो नाम छे दोहा अष्टक। तेमा अभ्यास आपेलो छे तेना प्रश्नो ना जवाबो विषे जोईए। तेमा पेलो प्रश्न छे, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न एक नो पेलो प्रश्न, बड़े लोगों के संकुचित मनः स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है। जवाब, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। त्यार पछी बीजो प्रश्न, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए क्यों। जवाब, साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए क्योंकि शुभ सार युक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण कर निसार वस्तु कचरा को बाहर फेंक देता है। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, तुलसीदास सबसे हिलमिलकर रहने को क्यों कहते हैं। जवाब, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथो प्रश्न छे, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। जवाब, हम गरीब लोगों के बच्चों का पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। पांचवा प्रश्न, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं। जवाब, सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 छे, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं जे शब्दों आपेला छे तेनो आपणे विरोधार्थी शब्दों जे छे ते शोधी अने लखवाना छे अने तेना वाक्य बनावाना छे। उदाहरणमां आपेलो छे सत्य, तो तेनो विरोधी शब्द असत्य, तो बन्नेना वाक्य बनाव्या छे ते जोईए। गांधीजी सत्य बोलते थे, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। तेवी ज रीते आदर, तो तेनो विरोधी शब्द अनादर। वाक्यो, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बीजु वाक्य, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। त्यार पछी स्वकाज, तो तेनो विरोधी शब्द परकाज। वाक्यो बनाव्या छे, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। बीजु वाक्य, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। त्यार पछी त्रीजो शब्द छे बुरा, तो तेनो विरोधी शब्द अच्छा। वाक्य, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। बीजु वाक्य, उसने यहाँ अच्छा काम कमाया, अच्छा नाम कमाया। प्रेम, तो तेनो विरोधी शब्द नफरत। हम सबसे प्रेम करें। बीजो, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। त्यार पछी पांचमो शब्द छे नजदीक, तो तेनो विरोधी शब्द दूर। बाजार मेरे घर के नजदीक है। बीजो वाक्य, पाठशाला मेरे घर से दूर है। त्यार पछी छठो शब्द छे मृत, तो तेनो विरोधी शब्द जीवित। वाक्य, मृत शब्द छे तेनु वाक्य छे उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। जीवित शब्द छे तेनो वाक्य, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। त्यार पछी छोटा, तो तेनो विरोधी शब्द बड़ा। हमारा घर छोटा है। बीजु वाक्य, वह बड़ा आदमी है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 छे अंदाज अपना अपना, तो तेमा प्रश्न पूछ्यो छे के कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो, सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो तेना जवाब माओ से, हम अकालग्रस्त लोगों के लिए
धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीदकर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकाल ग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं जे दोहाओनी आपेला छे तेनो आपणे भाव स्पष्ट करवानो छे। तो पेलो दोहो छे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तो तेनो आपणे भावार्थ जोईए। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। त्यार पछी बीजो दोहो आपेलो छे, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो तेनो भावार्थ जोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय, बददुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोंकने से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। त्यार पछी त्रीजो दोहो छे, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तेनो भावार्थ छे, लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं। युद्ध में तलवार भले काम की हो पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई की काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटा का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। त्यार पछी आठमा पाठ नो स्वाध्याय छे तेनो पेलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेमा पेलो प्रश्न छे, साधु कैसा होना चाहिए। जवाब, साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। त्यार पछी बीजो प्रश्न, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। जवाब, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं। जवाब, हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। त्यार पछी चौथो प्रश्न छे, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। गरीब की हाय के लिए लोहार की धोंकनी का उदाहरण दिया गया है। धोंकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोंकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोंकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है। वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। त्यार पछी पांचमो प्रश्न छे, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं। जवाब, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है।
उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती, इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपने धोरण 7मो विषय छे हिंदी तेमा प्रथम सत्र नो पाठ 8मो दोहा अष्टक आ पाठ ना अभ्यास स्वाध्याय ना जेटला प्रश्नो छे तेनु सोल्यूशन पूरु करीए छे। अगर आपणे पुनरावर्तन 2 छे तेना जेटला प्रश्नो आपेला छे तेना जवाबो विषे माहिती मेळवीशुं। विद्यार्थी मित्रों, फरी मळीशुं पुनरावर्तन 2 नी अंदर। त्यां सुधी आवजो।